हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं रमेश मेवाड़ा आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक सीरीज चल रही है स्ट्रेट लाइन के बारे में। हमने स्ट्रेट लाइन की कोर थ्योरी देखी है और कोर थ्योरी के रेफरेंस में हम कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। कहने का मतलब कोर थ्योरी में कोई बदलाव नहीं है, मेजर थ्योरी तो वही है, लेकिन प्रॉब्लम के डेटा में हर बार चेंजेस आते जाते हैं। प्रॉब्लम के डेटा को हमें कैसे हैंडल करना है वो मैं ड्रॉइंग के दौरान खुद ड्रॉइंग करके आपको हर एक स्टेप समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और फिर वही ड्राइंग आपको ड्राइंग शीट में प्रोड्यूस करना है। देखते हैं आगे आने वाला प्रॉब्लम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम एक और नया प्रॉब्लम लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। डेटा पहले पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करते हैं और फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डेटा किस प्रकार का दिया है? The projectors of the ends of a line AB are 50 mm apart. Data जब हम पढ़ते हैं तो सही ढंग से उसका interpretation होना जरूरी है। अभी जैसे मैंने पहले लाइन पढ़ी, projectors of the ends of line AB are 50 mm apart. Means हमारे पास लाइन AB है और उसके दो पॉइंट के projector, समझो कि एक एंड पॉइंट A है तो ए का प्रोजेक्टर मीन्स ए डैश और ए एक लाइन पर होगा, तो वो एक पहला प्रोजेक्टर। दूसरा एंड पॉइंट है बी, तो बी के दो प्रोजेक्शंस होंगे बी डैश और बी, और हमें पता है कि बी डैश और बी भी एक वर्टिकल लाइन पर होंगे। ये दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 50 mm है। तो अगर मैं पॉइंट्स डेटा नोट करने जाऊं तो ये जो डिस्टेंस 50 mm दिया है वो कुछ नहीं है, ईपीडी है, एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस। तो मुझे ईपीडी दिया है 50 mm। लाइन के दोनों एंड पॉइंट के प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस 50 mm है। आगे द एंड ए इज 20 mm अबोव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। यहां हमें पॉइंट ए की पोजीशन दी गई है 20 mm अबोव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी नॉट ओनली दिस, दूसरे पॉइंट की पोजीशन भी हमें डायरेक्टली दी गई है। द एंड बी इज 10 mm बिलो एचपी, तो दूसरा जो पॉइंट है बी वो 10 mm बिलो एचपी है एंड 40 mm बिहाइंड वीपी, 40 mm बिहाइंड वीपी है। तो दोनों पॉइंट की पोजीशन ऑलरेडी नॉन है हमारे पास, तो प्रोजेक्टर्स तो आराम से मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कुछ और दिया है। डिटरमाइन द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन एबी। लाइन की ट्रू लेंथ हमें पता नहीं है, तो ट्रू लेंथ हमें फाइंड करनी है। अगर आप पुराने वीडियो के जो प्रॉब्लम्स थे उसको अगर याद करते हैं तो दो जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए उस प्रॉब्लम में हमें ट्रू लेंथ दी गई थी, एंगल थीटा एंड फाई भी दिया गया था। यहां ये सारी चीजें एब्सेंट है, ट्रू लेंथ भी नहीं है, थीटा भी नहीं दिया है, फाई भी नहीं दिया है। तो अवेलेबल जो डेटा है उसका यूटिलाइजेशन करके हमें सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हमारी पहली लाइन होगी और वो लाइन जिसको हम कहते हैं एक्स वाई लाइन। तो मैं पहले एक्स वाई लाइन बना देता हूं। ये हमारी एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन, और कौन सा डेटा सबसे पहले यूज करना चाहिए तो हमें ईपीडी दिया है। ईपीडी मींस एक प्रोजेक्टर यहां होगा, दूसरा प्रोजेक्टर यहां होगा,
दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 mm है, तो मैं वर्टिकल दो लाइन बना देता हूँ। एक लाइन समझो कि मैंने जनरेट कर दी वर्टिकल लाइट पेंसिल से, ये हमारी पहली लाइन, और उस लाइन से 50 mm डिस्टेंस मेंटेन करके यहां मैं एक दूसरी लाइन जनरेट कर रहा हूं, वर्टिकल लाइन जो पहली लाइन को पैरेलल है। तो ये दोनों प्रोजेक्टर्स जनरेट हो गए, दो वर्टिकल प्रोजेक्टर्स, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, अगर मैं नीचे कहीं मार्क करता हूं तो ये डिस्टेंस हमारा ईपीडी है 50 mm। दिस इज ईपीडी और वो है 50 mm। कहने का मतलब मेरा जो लाइन का पहला पॉइंट है उसके दोनों प्रोजेक्शंस पहले प्रोजेक्टर पर मिलेंगे, और लाइन का जो दूसरा पॉइंट है उसके दोनों प्रोजेक्शंस सेकंड लाइन पर मिलेंगे। अभी पॉइंट ए की पोजीशन तो हमें नॉन है, 20 mm अबो एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीवी। अबो एचपी मींस उसका फ्रंट व्यू अबो एक्स वाई है, कितना, 20 mm। तो 20 mm अबो एक्स वाई पर मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूं, और ये पॉइंट हमारा हुआ ए डैश। एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मींस एक्स वाई से 30 mm नीचे ले लो, और उस पॉइंट को हम टॉप व्यू पॉइंट बोलेंगे ए। तो ए डैश और ए मिल गए। ए डैश और ए दोनों में से हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट कर देते हैं। ए डैश में से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी पैरेलल टू एक्स वाई, और वैसे ही ए में से भी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट कर दी ए में से पास होती हुई, और एक्स वाई को पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। वो लाइट पेंसिल से है दोनों लाइन, वो प्रोजेक्टर्स है। अभी आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट भी हमें दिया है बी 10 mm बिलो एचपी। तो 10 mm बिलो एचपी मींस इफ एनी पॉइंट इज बिलो एचपी मींस इट्स फ्रंट व्यू इज बिलो एक्स वाई। तो एक्स वाई से 10 mm बिलो मींस 10 mm नीचे यहीं पर एक पॉइंट मिलेगा, वो हमारा पॉइंट बी डैश होगा 10 mm बिलो। अगर मैं डिस्टेंस नोट करूं तो ये हमारा 20 mm है, ये 30 mm है, ये बी डैश का डिस्टेंस 10 mm, एंड प्लान पॉइंट बी एक्चुअल बी इज गिवन 40 mm बिहाइंड वीपी। इफ एनी पॉइंट इज बिहाइंड वीपी इट्स टॉप व्यू इज अबोव एक्स वाई। तो एक्स वाई से दूसरे प्रोजेक्टर पर 40 mm डिस्टेंस लेना है ये, और यहीं एक पॉइंट हमें मिलने वाला है, वो पॉइंट हमारे लिए टॉप व्यू वाला पॉइंट बी होगा, ये बी है। तो चारों पॉइंट्स अवेलेबल है, तो डायरेक्टली हम लाइन जोड़ सकते हैं। जैसे मैं ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करता हूं तो ये तो रियल एलिवेशन हो गया शॉर्टर लेंथ वाला, तो ये पहली लाइन जो मुझे मिली वो फ्रंट व्यू है। और वैसे ही अगर आप ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं तो वो लाइन का दूसरा व्यू टॉप व्यू है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, चार लाइन में से हमें दो लाइन मिल गई, रियल एलिवेशन एंड रियल प्लान। लेकिन अभी दो और लाइन बाकी है कंस्ट्रक्शन में। कौन सी दो लाइन? ट्रू लेंथ इन एलिवेशन एंड ट्रू लेंथ इन प्लान। अभी करेंगे क्या कि जनरली दो पॉइंट में से हम एक पॉइंट को तो फिक्स एज्यूम करते हैं, तो मैं अभी ए पॉइंट को फिक्स एज्यूम करता हूं और बी को हम मूवमेंट देते हैं। तो बी को अगर मूवमेंट देनी है तो बी और बी डैश में से हम एक लाइन प्रोड्यूस कर देंगे पैरेलल टू एक्स वाई। जैसे मेरा ये पॉइंट बी है तो बी में से हम एक लाइन बना देते हैं, और वैसे बी डैश में से भी मैंने एक लाइन बना दी, लाइन पैरेलल टू एक्स वाई।
और ये दोनों जो लाइन मिली, बीमे से जो लाइन मिली, उसको हम कहते हैं बार बार, दिस इज लोकस ऑफ बी, स्ट्रेट लाइन लोकस। नो डाउट बी अवेलेबल है, लेकिन ये लोकस ऑफ बी है, और वैसे ये जो है वो लोकस ऑफ बी डैश है। ए पॉइंट, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो लोकस ऑफ बी डैश है। जैसे हमने दोनों लोकस मार्क कर दिए, अभी पहले वाले प्रॉब्लम में, मींस अगले वीडियो में, जो पिछले वीडियो में हमने जो सॉल्व किया था प्रॉब्लम, उसका रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे मैं कोई एक लाइन लेता हूँ ए डैश बी डैश, तो मेरा कंपास का सेंटर ए डैश पर रहेगा। ए डैश बी डैश जितनी रेडियस, मींस ये फ्रंट व्यू की लेंथ है, मींस एलिवेशन लेंथ, तो एलिवेशन लेंथ जितना रेडियस लेके आपको पहले आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, कहाँ तक, ए डैश तक, और ए डैश तक जो पॉइंट आता है, तो यहाँ मेरा आर्क बदल के, ये जो बी डैश है वो नाम बदल के बी वन डैश हो जाएगा, और बी वन डैश में से मैं एक वर्टिकल लाइन बनाने वाला हूँ। लोकस ऑफ बी तक, तो ये वर्टिकल लाइन हुई, मैं दोनों जगह एरो दिखा देता हूं, बी वन डैश बदल के यहां हो गया बी वन, और ये बी वन हमारे ए पॉइंट से कनेक्ट होगा। बी वन ए पॉइंट से कनेक्ट होगा, तो बी वन और ए के बीच का डिस्टेंस जो हम लाइट पेंसिल यूज करके एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, वो हमारे लिए ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ इन प्लान। आप अगर कंस्ट्रक्शन को समझे तो हमने किया का, पहले वाले प्रॉब्लम जो थे उसमें जो प्रोसेस की थी उससे रिवर्स प्रोसेस हमने की। पहले हमारे पास ट्रू लेंथ था, तो ट्रू लेंथ वाली लाइन में से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी, और फिर एलिवेशन लेंथ जितनी रेडियस लेके हमने आर्क लगाया था, वही प्रोसेस हमने रिवर्स मोड में की, एडेस बीडेस से आर्क लगाया और फिर वर्टिकल लाइन जनरेट की। तो एडेस और बीडेस के बीच का जो ये डिस्टेंस है उसको तो हम एलिवेशन लेंथ कहते हैं, और बी वन डैश से जब यहाँ तक लाइन पहुँचती है तो वो पॉइंट बी वन हो जाता है, एंड वो बी वन ए के साथ कनेक्ट होगा तो हमें ट्रू लेंथ मिलेगा। सिमिलरली जैसे एलिवेशन लेंथ को रेडियस बना के आपने आर्क ड्रॉ किया, वैसे प्लान लेंथ, ये प्लान वाला पॉइंट ए और ये बी, तो ये शॉर्टर लेंथ है प्लान लेंथ, उतनी रेडियस लेके आप आर्क बना दो, कहाँ तक, जहाँ तक आपका ए पॉइंट है। तो बी पॉइंट जब यहाँ पर आएगा, आर्क की डायरेक्शन ये है, तो बी पॉइंट का मुझे एक और नोटेशन देना पड़ेगा, वन मैंने दे दिया था, तो ये होगा मेरे लिए बी टू, और बी टू में से मुझे एक वर्टिकल लाइन जनरेट करनी है जो बी टू बदल के बी टू डैश होने वाला है। बी टू डैश कहाँ पर होगा, लोकस ऑफ बी डैश पर। तो आपको बी टू में से एक वर्टिकल लाइन जनरेट करनी है यहां तक, और ये पॉइंट यहां बी टू चेंज होके बी टू डैश हो गया, और जैसे बी टू डैश पॉइंट मिला तो बी टू डैश का कनेक्शन ए डैश के साथ होगा, तो ये लाइन हमें मिलेगी ए डैश बी टू डैश, जिसको हम ट्रू लेंथ कहेंगे। तो ये जो ट्रू लेंथ है वो एलिवेशन में है, और ये जो ट्रू लेंथ है वो प्लान में है, और अगर आपका आंसर सही है तो दोनों ट्रू लेंथ सेम आनी चाहिए, क्योंकि लाइन की ट्रू लेंथ तो कोई बदलने वाली नहीं है। तो ट्रू लेंथ का जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, यहां समझो कि मैं मेजरमेंट करता हूं ट्रू लेंथ का, तो वो जितनी भी लेंथ आती है 70, 80, 90, 94 या 95 के आसपास, तो उतनी ही लेंथ,
एग्जैक्टली इट इज 94 mm, तो ट्रू लेंथ हमें मिलेगी वो सेम रहेगी, तो हमारा आंसर होगा ट्रू लेंथ इज 94 mm. तो ये प्रॉब्लम आप डायमेंशनली फिर एक बार बना सकते हैं ड्राइंग शीट पर, और उसके बाद आप एंगल मेजर कर दीजिए, ट्रू लेंथ भी मेजर कर दीजिए. अगर एंगल हमें फाइंड करना है थीटा और फाई, तो कौन सा एंगल थीटा होगा? ट्रू लेंथ इन एलिवेशन वाली लाइन, ये ए डैश बी टू डैश जो एक्स वाई के साथ एंगल बनाएगी वो हमारा थीटा होगा, और ट्रू लेंथ इन प्लान एक्स वाई के साथ मिस एक्स वाई को पैरेलल वाली जो लाइन है उसके साथ एंगल बनेगा वो फाई है. तो इस ढंग से हम थीटा और फाई भी डिसाइड कर सकते हैं, अल्फा बीटा भी फाइंड कर सकते हैं. रियल एलिवेशन जो एंगल बनाता है ये, दिस एंगल इज अल्फा, और रियल प्लान जो एंगल बनाता है ये हमारा एंगल है बीटा. तो फाइनल सॉल्यूशन का लुक तो सेम ही रहेगा, हम डेटा को कैसे हैंडल करते हैं उस पर सॉल्यूशन का आंसर या सॉल्यूशन डिपेंडेंट है. फिर एक बार हम यहां रुकते हैं, ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर दीजिए, पुराने वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए. आगे आने वाले वीडियो में हम फिर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.